इसकी शादी कराऊंगी मैं पांडा से। ओह शिट, ये डब्बा खा रहा था। 6 महीने का होने के बाद करते वैक्यूम क्लीनर का पाइप देखो। ये दो उठा के जा रहा है, मुझे कर रहा है। और यहाँ पे देखो और है दो लिट्टी। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मैं, ये और ये, टोटल 3 लोग जा रहे हैं बाहर। जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। वैसे हमारा मेन जाने का मकसद है कुछ काम, तो काम जरूरी है, उसके बाद खाना पीना तो चलते रहता है हमेशा। चलो लेट्स गो। चलो देखो कौन आ गया। पांडा, अब यार ये गड़बड़ कर देता है, मत ले चलो इसको। मम्मी ले जाओ, ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। बर्बाद कर दिया ये, क्या थोड़ा, अच्छा थोड़ा सा, थोड़ा सा गाड़ी चढ़ा दिया इसके ऊपर, थोड़ा सा हुआ है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। बच गया, बच गया। अच्छा अच्छा, चल बच गया। तो गिनी जा चुकी है स्टूडियो में, अब हम जा रहे हैं सामान लाने के लिए। जो मतलब जो हमारे घर पे स्टूडियो बन रहा है ना, उस स्टूडियो के लिए सामान कुरियर हुआ है दिल्ली से, तो यहाँ पे भी रिसीव हो चुका है। तो उस कुरियर को ना हमको लेने जाना है, मतलब 3-4 कार्टन है बड़ा बड़ा, तो उसको लेना है। फिलहाल हम लोग अभी उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे गिन्नी का मोबाइल चोरी हुआ था, चोरी या फिर जो भी बोल लो, गुम हो गया था। तो अभी हम लोग ना देखो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है कुरियर। टोटल 4 बॉक्स है, और चारों बॉक्स को ना यहाँ पे गाड़ी में जाकर रखना है, और रखना ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये दो उठा के जा रहा है, मैंने एक रख दिया गाड़ी में, अभी एक और ये बचा हुआ है, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। तो इतना सारा सामान फाइनली गाड़ी में आ चुका है, हालत खराब हो गया इतना भारी उठाने में। खाओ, यहाँ पे है देखो 2 लिट्टी, और यहाँ पे मैं लिट्टी ऑलरेडी खा चुका हूँ, और यहाँ पे देखो और है 2 लिट्टी, मतलब टोटल 6 लिट्टी था, और 6 लिट्टी हुआ है 48 रुपीज़ का, 48 रुपये का। और ये बहुत ही सस्ता खाना है, लेकिन और साथ ही साथ ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सस्ता है, इसके कारण हम नहीं खाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम खाते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे बेस्ट होता है, जब भी हम लोग आ रहे हैं ये लिट्टी खाते ही ज़रूर है, बहुत ज़बरदस्त स्वाद है। तो हम लोग काम करके आ गए, हमारा काम हो गया, मतलब गिन्नी को रिकॉर्ड करना था वो हो गया। अभी ये गया था पानी लाने, लाओ जल्दी से पानी पिला यार। लगा दो, हम लगाओ और जोर से लगाओ, तुम लगाओ, ये ओए इधर देख, इधर देख, देखवन करो ता सुनो का इधर ही चल 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 इधर साहब आ जाओ। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। देखो खाना दिख रहा है तुम्हारा, ये बच्चा 15 मिनट से मेरे साथ खेल रहा है, और इसके साथ अभी देखो इसका दाढ़ी वो कर रहा है। एक बार और, एक बार और, हमको ना एक्चुअली में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बच्चा ना कुछ खाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, इसको खिला नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी इसका वो नहीं हुआ है, जो भी बच्चे को पहले बार खाना खिलाते हैं ना, वो अभी तक खाया नहीं है। ये 6 महीने का होने के बाद करते हैं। मुंह दिख रहा है मेरा प्लग के।
तो अभी ना मैं कंफर्म नोटिस कर लिया कि हमारे बच्चे को खाना है। देखो देखो ये बहुत खुश हो रहा है खाना देख के। हमारा एक्टिविटी जैसे हम ये गुस्सा हो रहा है, ये हम उठा के मुंह में डाल रहे हैं ना ऐसे, तो कह रहा है मुझे भी देख 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 कैसे कर रहा है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, बहुत ही फैसिनेट हो रहा है ये, बहुत गुस्सा कर रहा है। तो गिन्नी को एक साथी मिल गया, ये ना गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है। ए इसका बजा दिया तुमने यार, इसका मुंह देखो कैसे टेढ़ा हो गया। इतना टाइट होगा तो मैं किसी से नहीं कराऊंगा, इसकी शादी कराऊंगी मैं पांडा से। पांडा से बिल्कुल की फीमेल है, पांडा से बहुत बड़ी है ये, पांडा से बड़ी है, कोई बात नहीं होता है। अभी रात का ना लगभग 10:30 बज चुका है यहाँ से खा के निकलने में। देखो यहाँ से हम लोग निकल लिए और आज काफ़ी मज़ा आया। अनीरा दीदी पहले चली गई थी और अभी तक हम लोग यहीं पे हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं और घर पहुँचने में शायद 11 से भी ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग जब पहले घर से निकले थे ना तो पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, हम लोगों को लगा था कि हम लोग 10 मिनट में निकल जाएंगे और 10 मिनट के चक्कर में 4-5 घंटा हो गया, 6 घंटा लगभग यहाँ पे हो गया और काफ़ी मज़ा आया हमको। पता है लिट्टी खा लिया था ना इसलिए वहाँ पे खाना नहीं खा पाए। मैं एक चीज सीरियस बात बोल रही हूँ कि क्या आपके नॉलेज में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब योगा वगैरह करा करके बहुत सारा और अंदर से भीतर से डर को वो लोग निकालते हो? अगर है तो प्लीज कमेंट करना, मैं सच में जाना चाहती हूँ, माँ कसम जाना चाहती हूँ भाई। देखो आज तक ऑन कैमरा ऐसे माँ कसम नहीं खाया, सच में जाना चाहती हूँ भाई, मेरे अंदर बहुत डर है। तो पहुँच गए हम लोग भाई, काफी लेट हो गया अभी यहाँ पे आने में। यार क्या हो गया, इसका लिपस्टिक खा गया। ओ शिट, हम दोनों को दो कमरे में आज बांधे हैं, रात बुलाओ पता चल जाएगा कि दोषी कौन है। अच्छा हम YouTube को 500 दिन पकड़े हैं, जाके देख लो सीडी महंगा वाला है क्या ये? 3000 का है ये। ये पहला लिपस्टिक पांडा वो खा गया था तो गिन्नी हमको नया खरीद के दी थी जो वापस फिर कुत्ते खा गए। हंसो मत यार, ये हंसने की बात नहीं है, इतना तो हम नहीं है। ये अभी मेरे अलमारी में बंद था, वहाँ से लाके तुम यहाँ क्यों रखे ना इतना भी है क्या? सुनो इसको अभी हम वो करेंगे। अरे ये वो वाला है ना, हार्ट वाला, ये तो मेरा फेवरेट था। ये डब्बे में निकाल, इतना हटा के रखेंगे भाई। नहीं नहीं, नहीं, नहीं में ये यूज नहीं कर सकती हो तुम। चुम्मा लेते हैं तो कुछ मुंह देखो ये देखो। अरे पांडा को जाके देखिए, हनुमान बने हुए है वो आज तो। ये डब्बा खा रहा था, एक मिनट, गुलाबी डब्बा ये खा रहा था, ये लिपस्टिक नहीं जा रही है क्या? वो बोना इतना नहीं उठ पाता है, पूरा लाल कैसे हुआ है जाके देख, क्योंकि ये लगाया हुआ नहीं, कोई भरोसा नहीं है यार। अच्छा, कौन खाया है? चोरी नहीं की है वो, तो जैसे ही मेरे हाथ में डंडा देखे तुम मुझे काटने दौड़ोगे, भोगने दौड़ोगे? चलो डंडा देखे तो वैसे ही रिएक्ट करता है वो यार। नहीं नहीं है पांडा, अगर वो नहीं काटा होता यूटू है, यूटू है पांडा कपड़ा खाता है कि नहीं खाता? पांडा कपड़ा नहीं खाता, नहीं खाता है तुम्हारा। ये देख लो, ये तीन कपड़ा तुम्हारा, ये देख लो, ये फाड़ क्या कर दिया, ले गया पांडा ले गया है। अगर ये होता तो ये फाड़ चुका होता, देख कुछ तो नहीं है इसके अंदर, इसने नहीं किया है, ये खिलाड़ी नहीं है, ये वही खिलाड़ी है, ये बड़ा वाला है, बोना नहीं है, ये नहीं है भाई, बड़ा वाला है, यही बड़ा वाला है, क्या है यही यही शेर है, चल अंदर, नीचे नीचे चल जल्दी, चल जल्दी मार के बाहर निकाल देंगे क्योंकि मेरे कमरे में। ये कहाँ घुस गया आज? यही नहीं है वो भी कर दिया खरा, वो देखो। हाँ ये देखो वैक्यूम क्लीनर का पाइप देखो। अब एक साथ हमको आ गया यार, सब तुम्हारा काम है। अब इसका टांग देख कैसे लाल है, नहीं यार ये छोटा नहीं है, ये बड़ा वाला किया है कांड, कैसे पोज में आया है, काटेगा साला, पोज में आ गया है। एक बात सुनो, हम जब आए थे तो ये बड़ा वाला खा रहा था और छोटा वाला ये खा रहा था, ये दांत देख, ये छोटा वाले का दांत गया है, पोज में आ रहा है, काटेगा। तुम देख ही रही हो कि तुम एक बात बताओ, यूटू ना एक बार में इसको चुन्ना चुन्ना कर देगा। अरे बस करो, यूटू अगर खाएगा इसको तो उसके दांत में इतना पावर है, बात खत्म। धीरे धीरे
मानोगे तुम साले, नहीं समझ में आ रहा है। अरे वाह, कौन खाया है? कौन खाया? तू खाया ना? तू खाया ना? ओए भागेगा अंदर, भागेगा अंदर। भागना खाई इधर, इधर आ, तू खाया ना? हैं? तू खाया ना इसको? बताओ कौन खाया बेटा, बताओ, बताओ कौन खाया? तू खाया कि नहीं खाया? भैया खाया कि तुम खाए? अंकल निकाल देना इसको। कैसे भोग 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 अंदर से निकल जाएगा कि कुछ कर देना? ये हमको काट लिया है आज ये, ये छोटा वाला डंडा लेके थोड़ा सा जमीन पे जोर से पीटा, पीट कर दिए मारे। वाह वाह निकल भैया सीधे निकल देख देख देख। बाप रे कितना भोंक रहा है। कहाँ रखें इसको? कहाँ रखोगे? अंदर रखना भाई, डॉग के पहुंच से बाहर दूर रखना, नहीं तो ये अगर टूटा फूटा कुछ भी हुआ ना। ज्यादा भारी नहीं है, ये वाला स्पीकर है, तुम ये उठाओ, कीबोर्ड उठा लो। भाई मेरे पास इतना बड़ा सा कीबोर्ड था, उसके बावजूद भी इसने कीबोर्ड मंगवाया अपने स्टूडियो में रखने के लिए। सबसे ज्यादा भारी यही वाला है। चलिए बढ़िया। तुम मुझे अभी भी काफी डर लग रहा है क्योंकि गोस्ट स्टोरी सुन लिया है मैंने आज, और मैं डरपोक हूँ लेकिन उस हद तक नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर ना एक डिफरेंट टाइप का फियर है। भूत का डर होना एक अलग बात है, मेरे अंदर कुछ और ही चीज़ का डर है भूत के साथ साथ। पहले मैं जब थोड़ा छोटा हुआ करता था तब भूत से बहुत डरता था, अब वक्त के साथ साथ भूत का डर निकल गया, लेकिन फिर भी कोई तो फियर है मेरे अंदर। फिलहाल अभी चलते हैं सोने और आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो करते हैं यही साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।